जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर, उसके बाद हम बैठकर ढेर सारी बातें करेंगे और जानकारी भी देंगे आपको। तो किसान भाइयों, आइए देखते हैं कृषि समाचार। जी हाँ, नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूँ पूनम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। गुमला के कृषि विकास के लिए राज्य बागवानी मिशन के कई प्रस्ताव केंद्र द्वारा मंजूर। पलामू के गांवों में 7 अक्टूबर से 2 फरवरी 2014 तक चलेगा पशु चिकित्सा शिविर। खेतों की तैयारी में ले भू परिष्करण यंत्रों की मदद। अब समाचार विस्तार से। गुमला जिले में कृषि उद्यमिता और बागवानी खेती को बढ़ावा देने वाले राज्य बागवानी मिशन के कई अहम प्रस्तावों को केंद्र सरकार ने मंजूर किया है। पहली योजना है जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना, जिसकी कुल लागत 80 लाख रुपए है, जिसमें 18 लाख रुपए अनुदान स्वरूप मिलेगा। दूसरी योजना है बीज उत्पादन एवं प्रसंस्करण इकाई की स्थापना, इसकी कुल लागत 80 हजार रुपए है, जिसमें 30,18,000 रुपए अनुदान दिया जाएगा। जिला पशुपालन कार्यालय पलामू की ओर से इस जिले के 8 प्रखंड के 120 गांवों में 7 अक्टूबर 2013 से 2 फरवरी 2014 तक पशु चिकित्सा शिविर लगाया जा रहा है। इस शिविर के लिए छतरपुर, हरिहरगंज, हुसैनाबाद, विश्रामपुर, मोहम्मदगंज, मनातू, तरहसी और पाठन प्रखंड से विभिन्न गांवों का चयन किया गया है। सभी चयनित गांवों के नाम और आयोजन की तारीख के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए पशुपालक प्रखंड या जिला कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। कृषक बंधु रबी फसलों के लिए वैज्ञानिक तरीके से खेत की तैयारी करने के लिए भू परिष्करण यंत्रों का सहारा ले सकते हैं। शुरुआती तैयारी प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र और उसके अगले चरण में द्वितीयक भू परिष्करण यंत्र का उपयोग करना ज्यादा लाभकारी होगा। रबी फसलों की खेत की तैयारी करने के लिए किसानों को किस वक्त कौन सा कृषि यंत्र का उपयोग करना ज्यादा फायदेमंद साबित होगा, इस संबंध में हमारे कृषि वैज्ञानिक बताते हैं। खेतों की तैयारी के लिए हमें अनेक प्रकार के कृषि यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें कि मुख्य रूप से भू परिष्करण यंत्र का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। और भू परिष्करण यंत्र दो प्रकार के होते हैं, सबसे पहला तो प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र और दूसरा द्वितीयक भू परिष्करण यंत्र। ये जो भी खेत तैयार करें, सबसे पहले किसी मिट्टी पलटने वाले हल से या फिर हमारा जो तवेदार हल है उससे खेत की पहले जुताई करके, और उसके बाद द्वितीयक परिष्कृत भू परिष्करण यंत्र, जिसमें कि हमारा डिस्क हैरो है और फिर कल्टीवेटर है या रोटावेटर है, इन सब कृषि यंत्रों का अगर इस्तेमाल करके सही ढंग से हम खेत को तैयार करें तो ज़्यादा से ज़्यादा जो उपज हम ले सकते हैं। किसान भाई सब्जी फसल बैंगन से अधिकाधिक उपज प्राप्त करने के लिए बैंगन की संकर किस्म स्वर्ण शक्ति, विजय या स्वर्ण संपदा का चयन करें। इसकी उपज क्षमता 60 टन प्रति हेक्टेयर है। बैंगन की संकर किस्में स्वर्ण शक्ति, विजय और स्वर्ण संपदा के लिए 200 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई करें और खाद में 40 टन कम्पोस्ट तथा NPK 200, 150 और 100 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। इन संकर किस्म वाले बैगन की उत्पादन क्षमता 60 टन प्रति हेक्टेयर है। राज्य के किसान अपने टांड खेत में लगे फसलों की निकौनी करने के लिए कृषि उपकरण व्हील हो की मदद ले सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 18 से 20 डेसिमल प्रतिदिन है। आइए अब मिलते हैं एक कामयाब किसान से, जिनकी खेतों में लहलहाती फसलें उनकी सफलता का प्रमाण है। आज जिस सफल किसान से हम मिलने वाले हैं, उनकी खासियत है कि वो ये बात बखूबी जानते हैं कि किसी भी फसल से अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए फसल के अनुरूप खेत और खेत के अनुरूप तमाम उपचार ही उन्नत खेती का मुख्य आधार है। अपने बाबूजी का खेती
बहुत दिन से करते आ रहे थे, मगर उसमें हमको उतना भरण पोषण करने का, बाबूजी का परिवार चलाने में दिक्कत होते थे, तो हम लोग केवीके के माध्यम से मैंने श्री विधि एगो मेथड निकाला सर। श्री विधि 2-3 साल से हम लोग करते आ रहे हैं, तो बाबूजी का अमल में हम लोग सर बहुत खेत बटैया में कर रहे थे, बहुत खेत, जो कि बाबूजी का ससुराल का खेत भी हम लोग बटैया में कर रहे थे, मगर वो खेत को हम लोग हटने छोड़ कर अब बाबूजी का ही जितना खेत है वही खेत में हम लोग सरकार का केवीके का माध्यम से हम लोग विधि को अपनाए और थोड़ा सा बीज लाते हैं, माने यह केवीके ही यदि कभी कल हम लोग को उपलब्ध करवा देता है तो केवीके से बीज मिल जाता है, नहीं तो दुकान से भी खरीद लेते हैं। तो खेती बाड़ी से तो सर हम जब बाबूजी रिटायर किया उसके बाद हमारा शादी हुआ, तो शादी करने के बाद मेरा 4 गो बाल बच्चा हुआ, तो 4 गो बाल बच्चा में जो कि 3 लड़की 1 लड़का, तीनों लड़की का खेती करके हम शादी दिए। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस, जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस, मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस, देवघर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस और धनबाद का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1,800 रुपए से 2,100 रुपए, चावल मध्यम 2,250 रुपए से 2,600 रुपए, चावल उत्तम 2,750 रुपए से 5,250 रुपए, गेहूं 1,450 रुपए से 2,250 रुपए, चना 3,750 रुपए से 4,250 रुपए, दाल अरहर 5,500 रुपए से 6,500 रुपए, दाल मसूर 4,500 रुपए से 5,200 रुपए, दाल चना 4,600 रुपए से 5,300 रुपए, सरसों तेल 8,400 रुपए से 9,500 रुपए, चीनी 3,300 रुपए से 3,500 रुपए, आलू 1,000 रुपए से 1,250 रुपए और प्याज 3,000 रुपए से 4,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही, अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के अंतर्गत आपने जानकारी ली, क्या जानकारी ली कारू दादा? मंडी के भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में, खेती बाड़ी के बारे में, है ना? लेकिन अब वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। इस विराम के बाद हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, कहीं जाइएगा नहीं। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई, आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना।
फार्म स्कूल, जहां खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है हमारे सभी किसान भाई बहनों का। गंजू भाई, क्या ख्याल है आपका? देखिए भाई, दादा भी हैं साथ में। इतना देर से हम लोग बैठे हुए हैं, बहुत देर से बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे थे किसान भाई लोग का कि किसान भाई कभी वहाँ तो कार्यक्रम फिक्स है ना भाई कि इतना बजे से कृषि दर्शन कार्यक्रम शुरू होगा। बिल्कुल, और हमें मिलना है किसान भाई बहनों से, और हम लोग भी बैठे हुए थे। तो ये जो है मैडम, ये बहुत गप इतना हाँकती हैं कि टाइम का पता ही नहीं चलता। अरे ये भी तो सुनिए कि हमारे किसान भाई बहन मुझी से खुश रहते हैं, आपसे नहीं। कारू दादा, आप ही बताइए। भाई आप दोनों से खुश रहते हैं। ये पते की बात हुई। तो किसान भाई देखिए, हम लोग का थोड़ा बकझक चलते रहता है बीच बीच में, लेकिन ऐसा है ना कि हम तो जानकारी लेकर के आपके लिए आते हैं, और ये जानकारी लेने के क्रम में हम लोग आसपास के जो किसान हैं उनसे भी मिलते हैं, जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनके पास भी जाते हैं, और आपके लिए हम जानकारी लेकर के आते हैं। तो अब झुमकी बहन बताएंगी कि आज जो हम जानकारी किसान भाइयों के लिए लेकर के आए हैं, वो पहली जानकारी क्या है? अजी, रवि फसल के बारे में। तो रवि फसल तो बहुत है। रवि फसल की तैयारी के लिए खेत कैसे तैयार करें, उसके बारे में जानकारी दिलवाएंगे हम। हाँ, ये पति की बात हुई, है ना? कौन है? और विशेषज्ञ है हमारे डॉक्टर राजीव जी। तो आइए मिलते हैं और जानकारी लेते हैं। चलिए अगला सब्जेक्ट देख लीजिए। हाँ। क्या है किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र बलियापुर धनबाद में है, और आज हमारे साथ बातचीत के लिए हैं यहीं के एक वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव कुमार। ये हमें जानकारी देंगे कि रवि फसल के लिए खेत की तैयारी कैसे करें। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को बताइए कि रवि फसल के लिए खेत की तैयारी के लिए हमारे किसान भाई क्या करें। किसान भाइयों, अब धान का फसल जब कटने को तैयार है, तो उस समय अभी हमें जो है रवि के फसलों की तैयारी के बारे में अभी से सोचना पड़ेगा, और रवि के फसल के तैयारी के लिए से हमें कई प्रकार के लाभ होंगे, जिससे कि सबसे पहले जो खेतों की तैयारी करते हैं उसमें जो लाभ होते हैं, उसमें सबसे पहला है कि आपका जो मिट्टी की संरचना है उसमें काफ़ी सुधार होता है। उसके अलावा जो मिट्टी में जल धारण क्षमता है उसका विकास होता है, खरपतवार कम से कम आपके खेतों में आएंगे जब फसल बढ़ने लगेगी उस समय, और भूमि में जो वायु का संचार है वो ज़्यादा से ज़्यादा होता है। डॉक्टर साहब, अब हमारे किसान भाइयों को बताइए कि जो खेत की तैयारी करें वो किन किन यंत्रों से करें, और इससे क्या लाभ होगा हमारे किसान भाइयों को? अभी हम आपको बताना चाहते हैं कि जो कृषि यंत्र खेतों की तैयारी में इस्तेमाल किए जाते हैं, वो मुख्यतः उनको दो भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला प्राथमिक जुताई यंत्र कहलाता है और द्वितीयक जुताई यंत्र कहलाता है। प्राथमिक जुताई यंत्र में बहुत प्रकार के यंत्र आता है, लेकिन जो मुख्य रूप से किसान भाइयों के लिए ज़्यादा कारगर है उसमें मिट्टी पलटने वाला हल है, जिसको कि मोल्डबोर्ड प्लाव कहते हैं, उसका इस्तेमाल करना, और एक तवेदार हल जो कि काफ़ी कड़ी मिट्टियों में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा कार्य करता है मिट्टी पलटने का, तो उसका प्रयोग करना। ये दोनों मुख्य रूप से ऐसे कृषि यंत्र हैं कि जो कि प्राथमिक जुताई यंत्र के लिए किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभकर सिद्ध हो सकते हैं। मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करने से जो सबसे ज़्यादा लाभ ये होता है कि आपकी मिट्टी करीब 15 से 20 सेंटीमीटर नीचे की मिट्टी एक बार जब पलट जाती है, तो उसमें जितने प्रकार के खरपतवार के बीज रहते हैं वो आपका धूप में वो नष्ट हो जाते हैं, और खरपतवार की काफ़ी कमी उससे फसलों में देखी गई है। उसके बाद जो द्वितीयक भू परिष्करण यंत्र या जुताई के यंत्र हैं, उसमें मुख्य रूप से जो किसान भाइयों के लिए लाभदायक है वो है कल्टीवेटर, उसके अलावा तवेदार हैरो, जिसको डिस्क हैरो भी कहते हैं, और आजकल जो सबसे सही यंत्र
और काफ़ी लोकप्रिय होता जा रहा है किसान बंधुओं के बीच में, वो है रोटावेटर, जिसका कि इस्तेमाल दिन प्रतिदिन किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा करने लगे हैं। ये एक अच्छी बात है। रोटावेटर में जो सबसे ज़्यादा खासियत है कि वो कम समय में ही खेत को बिल्कुल भुरभुरी कर देता है। लेकिन एक चीज़ इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि किसान भाई बिना प्राथमिक जुताई यंत्र के इस्तेमाल के रोटावेटर का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें, क्योंकि इसका जो ब्लेड होता है वो एल शेप में रहता है। एल शेप में रहने के कारण जो है इसमें जो मिट्टी के नीचे एक निश्चित गहराई के बाद एक हार्ड पैन बन जाता है। इस हार्ड पैन बनने के कारण बाद में भविष्य में ज़्यादा से इस्तेमाल करने के बाद जो फसलों के जड़ें हैं वो उस हार्ड पैन के नीचे नहीं जा पाएंगे, जिसके कारण कि हमारा जो पौधे का बढ़वार शुरू में रोटावेटर के इस्तेमाल से जितना अच्छा दिखता है वो बाद में जा कर के इसमें कमी आने लगेगी। यह हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि प्रथम जुताई के बाद खरपतवार के नियंत्रण में हमारे किसान भाई को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लाभ हो, इसके बारे में बताएं। किसान बंधुओं, जैसा कि आपको हमने अभी बताया भी कि जो प्राथमिक जुताई के यंत्र हैं वो करीब 15 से 20 सेंटीमीटर नीचे की मिट्टी को पलट देते हैं, जिसके कारण खरपतवार के जितने भी बीज हैं वो ऊपर आ जाते हैं, और जो जब धूप की रोशनी इन बीजों पे पड़ती है तो उसमें से काफ़ी बीज नष्ट भी हो जाते हैं। इसके साथ कीड़े मकोड़े भी जो खेतों में बीज के ज़मीन के नीचे रहते हैं, कीड़े मकोड़ों के अंडे और ये वो सारे सूर्य के रोशनी में नष्ट होते हैं। इस तरह जो है हम प्राथमिक जुताई यंत्र का इस्तेमाल करके खरपतवार पे नियंत्रण पा सकते हैं। अब हमारे किसान भाई खेत की तैयारी के लिए, खासकर तक रबी फसल की जो हमने चर्चा कर रहे हैं हम लोग, तो रबी फसल की खेत की तैयारी के लिए और किन किन बातों पर विशेष ध्यान दें हमारे किसान भाई? किसान भाइयों, रबी फसल हम लोग कई तरीके से लेते हैं, जैसे कि गेहूं की खेती करनी होती है, चाहे फिर सब्जी की खेती करनी होती है। तो गेहूं के खेती करने के लिए जैसे हमको पहले सोच लेना पड़ता है कि हमको उसमें किस तरह का सिंचाई करना है, जैसे उसके लिए बॉर्डर सिंचाई विधि ज़्यादा कारगर रहती है, तो उसके लिए बॉर्डर का निर्माण करना पड़ता है। बॉर्डर वैसा खेत कहते हैं कि जिसमें कि खेतों की चौड़ाई जो है वो करीब 5 मीटर के आसपास रखते हैं, 3 मीटर से 5 मीटर, और जबकि लंबाई जो है आवश्यकता अनुसार रखा जाता है। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब खेत की जुताई करने के बाद पाटा देने लगे तो अंतिम